हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइपिंग इंजीनियर। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज हम जानेंगे पंप सक्शन इंटेक डिज़ाइन कैलकुलेशन के बारे में, जानेंगे पंप सक्शन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके डिज़ाइनिंग में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, हर टर्मिनोलॉजी को डी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, और लास्ट में एक एग्जाम्पल से हम हर एक का कैलकुलेशन करना जानेंगे। तो दोस्तों, आगे के वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं पंप क्या होता है। तो दोस्तों, पंप आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, इंडस्ट्री में देखा होगा, रोड्स पे देखा होगा, घरों में देखा होगा। पंप हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि फ्लूइड को, सॉलिड वेस्ट को, केमिकल स्लरीज को और बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। पंप में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वन इज फ्लो, अनदर इज हेड। फ्लो इज कि कितना लिक्विड या कितना फ्लूइड मुझे पंप करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एंड अनदर इज हेड, हेड हमें मुझे बताता है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट कितनी दूरी पे है और कितनी दूरी पे मुझे फ्लूइड को पहुंचाना है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इनके बेसिस पे पंप को हम सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से पंप दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायनेमिक पंप, एक होता है डिस्प्लेसमेंट पंप्स। डायनेमिक पंप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डायनेमिक पंप्स यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि 80-90% प्रोसेसेस में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज किया जाता है। अनदर इज वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल एंड थर्ड इज समरसिबल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है, ये दो तरीके के होते हैं। इसमें भी एक होता है फ्रंट सक्शन टॉप डिस्चार्ज और एक होता है साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज समरसिबल पंप। समरसिबल पंप्स आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके घर में समरसिबल मोटर्स होती हैं। समरसिबल पंप्स में आपका इंपेलर और जो मोटर होता है वो एक ही इनकेसिंग के अंदर इनक्लोज होता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं आपके गियर पंप्स, पिस्टन पंप्स, लोब पंप्स, जहाँ पे आपको बहुत ही विस्कस फ्लूड को पंप करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, वहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को यूज करते हैं। एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पंप्स अच्छे होते हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए वेर एवर पॉसिबल हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे बहुत ही हाई विस्कोसिटी वाले पंप को फ्लूड को पंप करना होता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पंप्स को यूज़ करते हैं। सो पंप सक्शन डिज़ाइन के बारे में जानते हैं अगली स्लाइड में, क्या होता है उसमें, टर्म्स अलग अलग क्या यूज़ होती हैं। सो दोस्तों, ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, दिस इज पाइप। ये पाइप मेरा टैंक के अंदर ऐसे सक्शन कर रहा है। इस टैंक के अंदर मेरा पानी भरा होगा या फ्लूइड भरा होगा, जो भी मुझे पंप करना है। ये एक टर्म है HWL और नेक्स्ट टर्म है LWL। मोस्टली डिजाइनर्स इन टर्म्स को यूज करते हैं और आप इंडस्ट्री में हैं तो इन टर्म्स के बारे में जानते भी होंगे। HWL स्टैंड्स फॉर हाइएस्ट वाटर लेवल, मतलब इस लेवल के बाद मेरे टैंक में पानी नहीं भरेगा और मेरा टैंक का पानी ओवरफ्लो करने लग जाएगा। एंड दिस टर्म इज LWL स्टैंड्स फॉर लो वाटर लेवल। LWL का मतलब ये है कि इससे मेरा पानी नीचे जाएगा तो मेरा पंप ट्रिप कर जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी हुई है, जैसे A लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। सो आइए जानते हैं इन टर्म्स के बारे में, ये क्या क्या होती हैं और इनका डिज़ाइन कैलकुलेशन से क्या रिलेशन है। सो सबसे पहले दोस्तों, डी क्या होता है, आपका इनलेट डिज़ाइन आउटसाइड डायमीटर। जो आपका नीचे जो पंप का जो पाइप है, जो सक्शन पाइप है, जब वो टैंक में से डाउन होता है तो उसके नीचे में आप ऐसा कुछ कोनिकल शेप में लगा हुआ देखेंगे, जो कि नीचे से वाइड होगा और ऊपर जाके पंप के ओडी से मैच कर जाएगा। सो दिस इज नोन एज, जो ये हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है, दिस इज नोन एज बेल। इसको बोलते हैं इनलेट बेल। और इनलेट बेल को हम सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनलेट बेल की जो विड्थ होती है, ये जो आप शो कर रही हुई है मैंने डी से, इनलेट बेल की विड्थ होती है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ ओडी। यानी कि जो आपका सक्शन पाइप है उसका जो ओडी है उसके 1.5 से लेके ट्वाइस तक हमारा बेल का विड्थ होता है। तो दिस इज नोन एज जो इनलेट बेल है उसकी विड्थ के ऊपर ही मेरी सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती हैं। सो सबसे पहले जब भी मैं पंप सक्शन डिज़ाइन कैलकुलेट करूंगा तो मैं बेल का डायमीटर कैलकुलेट करूंगा। बेल का डायमीटर 1.5 से ट्वाइस ऑफ ओडी के पाइप के ओडी के बीच में होता है। सो दिस इज माई इनलेट बेल डिज़ाइन। नेक्स्ट टर्म इज ए। ए क्या होता है, जो मेरा बेल का सेंटर लाइन है, बेल के सेंटर लाइन से मेरी मिनिमम टैंक विड्थ कितनी होनी चाहिए, दैट इज ए। यहाँ पे ए दिखाया हुआ है और ये मिनिमम 5D होनी चाहिए,
मतलब अगर मेरा बेल का विड्थ 1000 है तो मेरा जो पंप सेंटर पंप सक्शन सेंटर लाइन से जो टैंक की विड्थ है वो मिनिमम 5D 5 × 1000 दैट इज 5000 mm होनी चाहिए, नहीं तो मेरे पंप में प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पंप में पानी अच्छी तरीके से नहीं जाएगा और एयर इंट्रैपमेंट हो सकती है जो कि लेटर एट में कॉज अ बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन। सो दिस इज माय डिस्टेंस फ्रॉम पंप बेल सेंटर लाइन टू द इनटेक स्ट्रक्चर इंट्रेंस। सो नेक्स्ट इज दिस स्मॉल ए। स्मॉल ए इज सेंटर लाइन स्पेसिंग बिटवीन टू बेल माउथ्स। सपोज कीजिए आपका कोई टैंक है जो कि बहुत ही लंबा होता है, उसमें दो पंप्स मेरे सक्शन कर रहे हैं। अब मुझे दोनों पंप्स के बीच में कितना गैप रखना है कि एक पंप का ऑपरेशन दूसरे पंप के ऑपरेशन को इम्पेक्ट ना करे। सो मैं 2.5 times ऑफ डी जो कि मुझे मिनिमम रखना ही रखना है, नहीं तो क्या होगा, मेरा जो एक पंप का ऑपरेशन है दूसरे पंप के ऑपरेशन को इम्पेक्ट करेगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि वन पंप में रन आउट ऑफ वाटर, बिकॉज बड़े बड़े जो पंप्स होते हैं वो हाई प्रेशर में पानी को नीचे से सक करते हैं। सो दोनों पंप्स के सेंटर लाइन के बीच में सक्शन सेंटर लाइन के बीच में मिनिमम 2.5 D का गैप रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बी। बी स्टैंड्स फॉर दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम बैक वॉल टू पंप इनलेट बेल सेंटर लाइन। ये है आपका बी। जो बी है जब मेरा पंप का जो सक्शन लाइन जब पंप जो टैंक के अंदर डाउन हो रहा है तो वो उसके सेंटर लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ऐसा तो नहीं मैं कर सकता कि मैं इसमें जो ये बेंड है बेंड का साइज छोटा करके और जो ये सक्शन का जो पाइप है इसको बिल्कुल ही टैंक के पास ले जाऊं तो उस टाइम पे मेरा पंप को पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी और वो सही से सक नहीं कर पाएगा। तो मुझे मिनिमम मिनिमम 0.75 D तो रखना ही पड़ेगा ताकि मेरे पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज सी। सी यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है दोस्तों, अब जब मेरा पंप का सक्शन पाइप डाउन हो रहा है और डाउन होने के बाद मैं उसे कोल्ड वेल के या फिर टैंक के फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं सटा सकता, नहीं चिपका सकता, तो कितना ऊपर मैं रखूंगा वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए मेरा टैंक फ्लोर लेवल के बीच में और बेल माउथ बॉटम के बीच में। सो ये होता है आपका 0.3 to 0.5 times ऑफ डी। मतलब अगर मेरा बेल माउथ का विड्थ 1 मीटर है 1000 mm है तो ये 0.3 × 1000 mm से लेके 0.5 × 1000 mm के बीच में मेरे को ऊंचा रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पंप फिर सक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एस, दैट इज मिनिमम पंप बेल इनलेट्स बेल सबमर्जेंस, कि कितना मेरा जो जो मेरा सक्शन पाइप है वो पानी में डूबा होना चाहिए ताकि मेरे पंप में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय डी इज इक्वल टू 1 + 2.3 × FD। व्हाट इज एफ डी हियर, एफ डी इज फ्राउड्स नंबर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा फ्राउड्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्राउड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि वी बाय जी डी वी बाय जी इंटू डी होता है, वेयर वी इज वेलोसिटी सक्शन वेलोसिटी, जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डी अगेन हियर बेल माउथ का विड्थ जो है वो डी है। सो दिस इज पंप मिनिमम इनलेट बेल सबमर्जेंस, कि इतना पानी तो मेरे पंप में हमेशा होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज एच। एच क्या होता है दोस्तों, अगर आप एच यहाँ पे देखेंगे तो एच इज एस प्लस सी। सो एच इज एस प्लस सी, सो दिस इज माई लोअर लोवेस्ट वाटर लेवल। सो लोवेस्ट वाटर लेवल जनरली डिजाइनर्स क्या करते हैं, जो आपका एच का वैल्यू आता है यहाँ से उसमें 10% या 15% का मार्जिन पकड़ के लोवेस्ट वाटर लेवल टैंक में मार्क कर देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लोवेस्ट वाटर लेवल कैसे निकाला जाता है। लोवेस्ट वाटर लेवल का कैलकुलेशन जो है वो ऐसे ही किया जाता है, जो एस आया है आपका मिनिमम सबमर्जेंस और कितना मेरा जो बेल माउथ है वो फ्लोर से ऊपर रहने वाला है, उन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा एच आ जाएगा और एस एच में मैं 10 से 15% का और मार्जिन पकड़ लूंगा सेफर डिजाइन के लिए और वहां पे मैं अपने पंप का लोअर वाटर लेवल मार्क कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, तो लोअर वाटर लेवल ऐसे मेरा मार्क हो जाता है। एंड एच होता है मिनिमम हाइट ऑफ कंस्ट्रक्टेड बे सेक्शन नियर दी पंप इनलेट बेल। एच इज इक्वल टू ग्रेटर ऑफ एच और 0.2.5 times ऑफ डी। सो दोस्तों आई होप आपको ये वाली टर्म सब समझ में आ गई होंगी और इन टर्म्स से आप एक पंप का जो सक्शन है उसको कैसे डिजाइन करना है कि कितना वो ऊपर होना चाहिए फ्लोर से उसके बीच में
और वॉल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, टैंक का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। दोस्तों इसमें इसके डिजाइन में और भी बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर आप ये सब टर्म्स से कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कुछ भी इशू नहीं होने वाला है, आपका जो पंप है वो बिल्कुल सही काम करेगा। और जो दोस्तों बेंट्स जो होते हैं सक्शन साइड में, हमेशा लार्ज डायर बेंट्स यूज किए जाते हैं। कभी भी सक्शन साइड में आप 1D के बेंट्स नहीं यूज करने होते हैं, हमेशा 1.5 टाइम्स D के जो बेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ताकि जो फ्रिक्शनल लॉसेज हों वे मेरे सक्शन में कम से कम हो, मतलब फिटिंग्स की वजह से लॉसेज नहीं होने चाहिए। अदरवाइज फिर मेरा फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाएगा और मेरे पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जानते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे अलग अलग टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों, एक पाइप है जो कि जी एक पंप है जिसको 1640 मीटर क्यूब फ्लो फ्लो कराना है पंप से। तो सबसे पहले, और उसका जो ओडी है वो 711 है। आई होप ओडी आपको कैलकुलेट करना आता होगा। क्यू इज इक्वल टू एवी से हम ओडी कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे ओडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, उस ओडी के हिसाब से पहले मैं निकालूंगा पंप सक्शन बेल्ट डिजाइन, दैट इज मैंने 1.5 टाइम्स टू 2D आपको बोला था, तो 1.5 टाइम्स ऑफ ओडी ऑफ पाइप पकड़ा हुआ है। तो इससे क्या आ गया, मेरा बेल का विड्थ आ गया, यानी कि कैपिटल डी आ गया। कैपिटल डी आने के बाद ये मैंने वेलोसिटी निकाली हुई है। वेलोसिटी किस लिए निकाली है, मिनिमम सबमर्जेंस मेरे को निकालना है। मिनिमम सबमर्जेंस क्या था, एस इज इक्वल टू डी इंटू 1+2.3 ऑफ एफ डी, वेर एफ डी वॉज फ्राउड्स नंबर। फ्राउड्स नंबर क्या है, डायमेंशनलेस नंबर, दैट इज वी बाई जी इंटू डी टू दी पावर 1.1/2 टू दी पावर 0.5, वेर वी इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, डी इज सक्शन बेल्ट डायामीटर एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इन सब में जब मैं डाल दूंगा वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कैपिटल डी है आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, और वेलोसिटी क्यू इज इक्वल टू एवी से आपने निकाल लिया है, तो आप फ्राउड्स नंबर निकाल लेंगे। जब आप फ्राउड्स नंबर निकाल लेंगे तो मिनिमम सबमर्जेंस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल देंगे, डी की वैल्यू आपको पता है 1+2.3 इंटू फ्राउड्स नंबर की वैल्यू यहां से आ गई है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा मिनिमम सबमर्जेंस का। नेक्स्ट इज सी, दैट इज मिनिमम सम्प क्लियरेंस। मैंने बताया था 0.3 to 0.5 D होता है, तो यहाँ पे मिनिमम सम्प क्लियरेंस भी आपका आ जाएगा। तो अब निकालना है लोवेस्ट वाटर लेवल, दैट इज एच इज इक्वल टू एस प्लस सी। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी योर लोवेस्ट वाटर लेवल। तो मैंने बताया था कि डिजाइनर्स क्या करते हैं, इसमें 10 to 20% का मार्जिन पकड़ लेते हैं, तो इन केस में पंप मेरा कभी भी ड्राई रन ना हो, पर मेरे टैंक में लोवेस्ट वाटर लेवल पहुंचने में मेरा पंप जब ट्रिप करे तो उस तब भी उसमें पानी हो। सो दिस इज माई एच इज इक्वल टू एस प्लस सी, दैट इज लोवेस्ट वाटर लेवल फॉर द टैंक। नेक्स्ट इज गैप फ्रॉम सेंटर वॉल ऑफ पाइप टू पाइप सेंटर, दैट वाज 0.3 D टू 0.75 D प्लस D। ये भी सेफर डिजाइन करने के लिए इसमें D को हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज B है ये दोस्तों 1386 आ जाएगा आपका। और पाइप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था V इक्वल टू Q बाय A से, और जहां पे Q फ्लो होता है मीटर क्यूब पर आर में, और A होता है पाइप क्रॉस सेक्शन इन मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट पंप सक्शन इनटेक डिजाइन। इसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने आपको सब समझाई हैं, और यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका पंप में कभी भी इशू नहीं होगा। ये बेसिक टर्म्स को आई मेरे को लगता है आपको आज इस वीडियो के बाद समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और कुछ और हेल्प चाहिए, कोई पंप का कैलकुलेशन में आपको मदद चाहिए तो हम लोग आपको मदद भी कर सकते हैं। सो आई होप आपका आज का वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।